This video is made for medical student as a part of their syllabus we do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner the information provided here is adopted from the product we used our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification note self medication is always hazardous do not अगेन डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट द प्रोपर गाइडलाइन एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिसनर हेलो फ्रेंड वेलकम टूर चैनल फार्मेसी डिक्शनरी आज जिस प्रोडक्ट को मैं लेकर के आया हूँ और आपके साथ जिसके बारे में डिस्कस करूंगा ये प्रोडक्ट आपने कभी ना कभी किसी भी समय यूज तो किया ही है और ऑलमोस्ट सबके घर में ये प्रोडक्ट पाया ही जाता है ये प्रोडक्ट है विक्स का वेपो रब इसका नाम वेपो रब क्यों पड़ा देखिए तो हम बाइफरगेट कर दें वेपो और रब वेपो बना हुआ है वेपर से वेपर मतलब भाप और रब का मतलब होता है एक प्रकार से फ्रिक्शन रगड़ना मसाज करना घिसना दैट इज कॉल्ड रब तो अगर हम इस प्रोडक्ट को आपके चेस्ट पे पीठ पे रब करते हैं तो इससे एक वेपर जनरेट होता है ये जो वेपर जनरेट होगा वो आपके नेजल कैविटी के ब्लॉकेज को रिलीफ प्रोवाइड करेगा यानी कि आपकी सर्दी में कोल्ड में जो नाक का बंद हो जाना हुआ है ना इसको रिलीफ प्रोवाइड करेंगे और इसके अलावा भी आपके सर्दी के छः सिम्टम्स से ये रिलीफ प्रोवाइड करते हैं ऐसा ये क्लेम करता है तो इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं इंडिकेशन क्या क्या है सोड़े से नॉर्मल सर दर्द में हम इसको यूज़ कर सकते हैं बंद नाक में यूज़ कर सकते हैं आपके चेस्ट के जो कंजेशन है सर्दी की वजह से उसको ठीक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं पीठ का दर्द अगर हल्का है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं तो इन दो तीन चीज़ों में खास करके इसको हम यूज़ कर पाएंगे इसमें अच्छा रिफेक्ट दिखने को मिलेगा इसके कुछ क्वांटिटी अगर आप ले करके एक गर्म पानी में डालते हैं जिससे वेपर निकल रहा हो बट वो पानी बॉइलिंग नहीं होना चाहिए तो उसको भी एक टॉवल से ढक करके आप इसको इनहेल करेंगे तो जो नाक में बंद है बंद होना नाक का जो प्रॉब्लम है वो भी आसानी से रिली निकल जाएगा काफ़ी प्रॉब्लम से रिलीफ मिल जाएगी इसका जो मेन कॉन्स्टिटेंट है वह है आपका मैंथॉल कैम्फर और यूकिलिप्टिस ऑयल तो तीनों ही वॉल्टाइली नेचर हैं तो तीनों का आपको एहसास जरूर होगा जब इसे आप यूज़ करेंगे तो ये इसके कुछ इंग्रेडिएंट हो गए कोल्ड रिलीफ फॉर योर फैमिली का ये एक कंडीशन बताते हैं ये कैसे यूज करना है वो भी बता रहा है अप्लाई ऑन चेस्ट थ्रोट एंड बैक फॉर रिलीफ फ्रॉम सिक्स कोल्ड सिम्टम कौन कौन से छह सिम्टम्स ब्रीदिंग डिफिकल्टी अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो भी आपको रिलीफ मिलेगा शरीर में दर्द है सर्दी वजह से तो भी आपको रिलीफ मिलेगा कफ हो रहा है तो भी रिलीफ मिलेगा ब्लॉकेज नोज है यानी कि आपके नाक बंद हो गई है तो भी हेडेक में भी और मस्कुलर स्टिफनेस में भी आपको यानी कि थोड़ा सा मसल्स में दर्द हो रहा है तो भी आपको मददगार होगा स्टार्ट फीलिंग रिलीफ इन फाइव मिनट पांच मिनट में रिलीफ मिल जाएगा बोल रहा है कफ से आपको बंद नाक से भी राहत मिल जाएगी ब्रीदिंग डिफिकल्टी से भी आपको पांच मिनट में राहत मिल जाएगी तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन हाँ थोड़े से ये बच्चों के लिए उतना ज्यादा सेफ नहीं होता ये बच्चों के लिए यूज नहीं करना है उनके लिए इसी का एक अलग प्रोडक्ट आता है जो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए होते हैं सो अवॉइड द यूज ऑफ विक्स वेफोरऑफ दिस विक्स वेफ और से इन बच्चों पर आप यूज ना करें इनका जो स्टीम इन्हेलेशन का है वो इंडिकेशन बताया है एड वन टू टू टी स्पून ऑफ बॉल ऑफ हॉट वाटर बट शुड नॉट बी बॉयलिंग इनका एक से दो तो चम्मच बॉयल्ड वाटर में डालिए जो एक बॉल में रखा होगा बट वो पानी गर्म होना चाहिए बट उबलता हुआ नहीं होना चाहिए इस इमेज में भी आप सकते हैं कवर हेड विद टॉवल अपने सर को टॉवल से ढक करके इसको अच्छे से सांस लें और ऐसा करते रहें 10 से 15 मिनट तक इसको अगर जरूरत पड़े तो दिन में तीन बार भी रिपीट कर सकते हैं आपका जो बंद नाक की समस्या है वो खुल जाएगी सो so, इसका जो बैच नंबर है वो यहाँ पे दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट भी लिखा हुआ है इसके कुछ स्पेसिफिक uh, सावधानियां रखने की दी गई है यूज़ एज डायरेक्टेड जैसा बताया गया वैसा यूज़ करें एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही है इंटरनली यूज़ नहीं करना है माउथ पे या किसी भी डेडिकेटेड पार्ट पे यूज़ नहीं करना है इसका जो वेपर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं ले लेना है कि आपको काफ़ी ज़्यादा सरदर्द भी एहसास करने लगे तो ये बेसिक आपके सजेशन है प्रिकॉशन है जिसको आप इसके बॉटल से देख सकते हैं तो यह था छोटा सा वीडियो विक्स वेपर अप थैंक यू